हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दशरथ और आप देख रहे हैं हीटिंग टूल्स एंड सिस्टम्स। आज हम आपको बताएंगे बेकरी के अंदर पेटीज यानी कि वेज पफ कैसे बनाते हैं और वेज पफ बनाने के लिए हमें किन किन मशीनों की आवश्यकता होती है और ये कैसे काम करती है। तो चलिए हम चलते हैं बेकरी के अंदर। ये हमने 2 किलो 800 ग्राम मैदा ली है जिसका हम प्लेनेटरी मिक्सर में डो तैयार करेंगे। पफ का डो तैयार करने के लिए बेसिकली मैदा, थोड़ा सा नमक और पानी ही चाहिए होता है। ये जो मिक्सर आप देख रहे हैं ये 45 लीटर कैपेसिटी का प्लेनेटरी मिक्सर है जो कि मल्टीपर्पज़ होता है। इसके अंदर आप केक का बैटर, क्रीम और ब्रेड, पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर, बंस, पेटीज का डो लगा सकते हैं। हमारे प्लेनेटरी मिक्सर में आप 8 से 10 किलो मैदा तक का डो तैयार कर सकते हैं। डो तैयार होने के बाद इसे टेबल पे ले जाके बेला जाता है। पफ का डो बेल करके इस पे घी लगाया जाता है और इस प्रोसेस को 2 से 3 बार किया जाता है जिससे कि पफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा परतें बने। हमारे शेफ़ ने इसे पहले 2 बार रोल कर चुके हैं और घी भी लगा चुके हैं, ये 3री बार रोल हो रहा है। डो को इस तरह रोल किया जाता है कि उसकी परत पूरी एक समान तैयार हो जिससे कि पफ एक जैसा बने। इसे आप डो शीटर मशीन की सहायता से भी रोल कर सकते हैं। जब डो अच्छी तरह रोल हो जाता है उसके बाद उसकी कटिंग की जाती है। सभी पफ एक ही साइज़ की बने इसके लिए पफ को एक समान काटा जाता है, जो हम किसी भी लकड़ी की फंटी या स्केल या कोई प्लाई के टुकड़े से हम उसकी सहायता ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे शेफ एक लकड़ी के फंटे की सहायता से डो के इक्वल पीसेस कर रहे हैं ताकि पफ एक जैसी बने। कटिंग होने के बाद में इसमें मसाला लगाया जाता है। हम वेज पफ बना रहे हैं इसलिए हमने आलू और पनीर का मसाला काम में लिया है। मसाले को जो हमने पीसेस किए हैं उसके बिल्कुल सेंटर में रखना है और फैला के रखना है। उसके बाद में इसे फोल्ड करते हैं। पेटीज को आप ट्रायंगल शेप में, स्क्वायर शेप में या राउंड शेप में फोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद पेटीज पर चमक के लिए लोग दूध की पॉलिश भी करते हैं जिसके कारण पफ का कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन आता है। अब ये पफ बेकिंग के लिए तैयार हो गई हैं। अब इसके लिए हमें एक बेकिंग ओवन चाहिए। हमारी कंपनी 4 ट्रे कैपेसिटी से लेकर 160 ट्रे कैपेसिटी तक के ओवन बनाती है। यहाँ हम 2 डेक 12 ट्रे कैपेसिटी ओवन का यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम पेटीज की बेकिंग करेंगे। तो अब हम पेटीज को बेकिंग ट्रेस के अंदर लगाएंगे। HTS डेक ओवन्स की बेकिंग ट्रे की साइज़ 12 इंच बाई 16 इंच होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रे 12 इंच बाई 16 इंच की है जिसके अंदर हम पेटीज लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एक ट्रे के अंदर 10 पीस लगा रहे हैं, चाहे वो ट्रायंगल शेप हो या स्क्वायर शेप हो। हमने 2 किलो 800 ग्राम मैदा से करीबन 80 पेट वेज पफ तैयार की हैं जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने हैं। अब हम इन्हें ले जाते हैं पकाने के लिए ओवन के अंदर। ये 2 डेक 12 ट्रे कैपेसिटी का बेकिंग ओवन है जो कि HTS के द्वारा बनाया गया है। इसका टेम्परेचर सिस्टम थर्मोस्टेट कंट्रोल है। ये आपको डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में भी मिल जाएगा हमारे पास में। इसमें पूरी 12 ट्रे हमारे पास तैयार नहीं होने की वजह से हमने 4 ट्रे ऊपर लगाई है और 4 ट्रे नीचे वाले डेक में लगाई है। पेटीज का जो बेकिंग टाइम होता है वो 20 से 22 मिनट का होता है और इसके अंदर जो टेम्परेचर सेट किया है वो 220 डिग्री सेल्सियस सेट किया गया है दोनों डेक का। HTS ओवन की सबसे ख़ास बात यह है कि ये हाईली इंसुलेटेड होता है जिसकी वजह से हीट लॉस नहीं होती और आपका जो पावर कंजप्शन है बिल्कुल कम होता है। आप जो ओवन देख रहे हैं इसका पर आवर पावर कंजप्शन 5 से 6 यूनिट है जो भी दोनों डेक का मिला करके। पफ का ही देखते हैं तो 1 घंटे में 240 पफ तैयार होती है जो कि हमने 2 राउंड ही काउंट किए हैं और 240 पेटीज पे आपका पावर कंजप्शन आता है केवल 5 से 6 यूनिट।
इस ओवन में आप पेटिस के अलावा केक, पेस्ट्रीज और ब्रेड्स, यहाँ तक कि जंबो ब्रेड, पाव, पिज़्ज़ा, बंस, बर्गर, कुकीज़, रस्क, खारी, टाई और मफिन्स, और भी बेकरी में बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जो कि आप खाली इन दो मशीनों की मदद से बना सकते हैं, एक प्लेनेटरी मिक्सर और एक बेकिंग ओवन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेकिंग ओवन हमारे पास में 4 ट्रे से लेकर के 160 ट्रे तक के अवेलेबल होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी पफ पक कर के तैयार हो गई हैं, इनका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है और सभी पफ की एक जैसी फुलावट और एक जैसा कलर है। हमारे ओवन की यही खासियत है कि इसके अंदर जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे डेक के अंदर इवन है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो या बेकरी बिजनेस से संबंधित कोई क्वेरी हो तो हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं या हमारी वेबसाइट पर आप हमें इंक्वायरी डाल सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।